जय हिंद दोस्तों, मैं उगोलू और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट भिजियम। दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ही मस्त होने वाला है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है लेकिन बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारे पास है चीनी यहाँ पे, और आपको क्लोज में करते हैं। ये देखिए ये चीनी है जिसे हम लोग खाते हैं, और ये है नमक। यहाँ पे देखिए आपकी नमक है, और ये है हमारे पास, इसके अंदर है पानी, और अभी हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं पेट्रोल। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास पेट्रोल, तो इसमें हम लोग सिंपली पहले पेट्रोल को डाल देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डाल दिए हैं। दोस्तों क्या आप लोगों ने सोचा है कि अगर चीनी और पानी अगर ये आपस में घोलते हैं तो इजली घुल जाता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पेट्रोल में अगर चीनी या फिर हम लोग नमक को डाल दें तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो आइए देखते हैं कैसा रिएक्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस चीनी को पानी के अंदर डालते हैं। देखिए दोस्तों ये चीनी पानी के अंदर नीचे जा रहा है, एंड वो अपना रिएक्शन भी स्टार्ट कर चुका है, धीरे धीरे घुलना स्टार्ट हो गया है। एंड सिंपली हम इसको डालते हैं पेट्रोल के अंदर। यहाँ पे देखिए यहाँ पर पेट्रोल के अंदर हमने डाल दिया सिंपल। दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने चीनी डाल दिया, अब इसके अंदर हम लोग डालते हैं नमक को इस वाले जार में। ये देखिए नमक को हम लोगों ने डाल दिया, अब इसको हम लोग घुलने का कोशिश करते हैं। ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, हम कम कर लेते हैं। ये दोस्तों देखते हैं कितने टाइम में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है इसमें। पहले हम चीनी को पानी के अंदर घोलने की ट्राई करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इजीली कि ये घुल जाता है अच्छे से, चीनी और पानी आपस में अच्छे से घुल जाता है। पहले हम लोग इसे घुल लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो चीनी है वो घुल गया है, इसके अंदर थोड़ा बहुत बचा है तो हम लोग इससे घुलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो चीनी है वो एकदम अच्छी तरह से घुल गया है, पानी के अंदर सॉल्यूट हो गया है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब बारी है, यहाँ पे नमक भी आपको डाल देते हैं, वो भी देखिए इजली घुल जाएगा पानी में। आराम से इसको डालते हैं, ये देखिए नमक, और इसको भी फिर से हम लोग घोलने का कोशिश करते हैं। नमक भी रिएक्ट करना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर नमक तो बहुत जल्दी घुल गया दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए थोड़ा कहीं भी नहीं दिख रहा होगा आपको इसमें कि घुल चुका है। अब दोस्तों बारी आती है पेट्रोल की, इसके अंदर हम लोगों ने चीनी डाला है इस वाले में, देखिए पर्खनली में चीनी डाला है। ये देखिए इसको हम लोग घोलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ट्राई करते हैं। तभी से हम लोगों ने इसको इसमें डाल के रखा हुआ है, थोड़ा सा भी अभी तक नहीं घुला है, बाकी अभी ट्राई करते हैं थोड़ा सा घोल के कितनी देर तक। ये देखिए थोड़ा सा भी हमारा जो चीनी है इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा भी नहीं घुला है यहाँ पर चीनी, देखिए यहाँ पर, ये देखते रहिए आप। देखिए चीनी जो है हमारा घुल नहीं रहा है यहाँ पे। दोस्तों अभी इसके पीछे का आपको रीज़न बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चीनी हमारा जो है घुल क्यों नहीं रहा है पेट्रोल के अंदर। ये यहाँ पे देखिए पूरा चीनी हमारा वैसे ही पड़ा है यहाँ पे, देखिए आप ये चीनी है, थोड़ा सा भी नहीं घुला है दोस्तों, थोड़ा सा भी जो कहा जाता है थोड़ा सा भी नहीं घुला है, जितना डाले थे उतना का उतना चीनी है। और अब बारी आती है नमक की, नमक को भी देख लेते हैं क्या हुआ है। दोस्तों ये भी देखिए, ये भी नहीं, नमक भी नहीं हमारा घुला है यहाँ पे। ये देखिए नमक को भी हम घोल रहे हैं अच्छे से, देखते हैं सॉल्यूट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके अंदर हमें लग रहा है कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है जिसके कारण ये घुल नहीं रहा है। ये देखिए इसमें और नमक हम डालते हैं, पूरा नमक डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास इतना नमक है, हम देखिए पूरा नमक को डाल देते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पूरा नमक हो गया, इस चीनी को भी हम लोग पूरा डाल देते हैं ताकि आपको भी अच्छे से कैमरे में दिख सके, शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा आपको इसकी वजह से। देखिए हम लोग पूरा इसको इसमें डाल दिए हैं, फिर से एक बार और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा भी घुल जाए।
देखिए देखिए चारों तरफ इसमें चीनी है, थोड़ा सा भी नहीं घुल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा भी नहीं घुल रहा है, ये तो रही चीनी। खैर ट्राई करते हैं नमक का, पेट्रोल में इसका क्या होता है। ये देखिए ये भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी इसमें रिएक्शन ही कोई नहीं हो रहा है, कोई अभिक्रिया यहाँ पे नहीं हो रही है। देखिए कोई सा भी अभिक्रिया नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारा जो नमक है वैसे के वैसे पड़ा है, थोड़ा सा भी नहीं घुला है। देखिए थोड़ा सा भी पूरा वैसे के वैसे है दोस्तों। अभी उसके पीछे का आपको रीज़न बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पेट्रोल है वो भी एक तरह का लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, पानी में घुल जा रहा है, लेकिन पेट्रोल में ना नमक घुल रहा है ना चीनी घुल रहा है। ये देखिए आप क्यों दोस्तों, देख सकते हैं ना, है ना दोस्तों, एक कमाल का एक्सपेरिमेंट। देखिए कैसी अभिक्रिया आप हो रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, पेट्रोल में ना चीनी घुल पा रही है ना नमक घुल पा रही है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पानी के अंदर चीनी और नमक आसानी से घुल गया, लेकिन गाइस वहीं पे हमारा जो पेट्रोल है इसके अंदर ना ही तो चीनी घुल पाया और ना ही नमक। तो गाइस इसके पीछे का रीज़न क्या है, सिंपल सा एक फंडा है कि जिसकी वजह से नहीं घुल पाया, क्योंकि आपको जल का रासायनिक सूत्र पता ही होगा H2O, और नमक का होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हाइड्रोजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है, यानी कि अभिक्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से आसानी से वो घुल जाता है। और वहीं पे चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C2H22O11, जो कि वो भी हाइड्रोजन के साथ बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से आसानी से घुल जाता है। लेकिन गाइस वहीं पे बात कर लेते हैं पेट्रोल की कि इसके अंदर क्यों नहीं घुलता है। तो जो पेट्रोल होता है हाइड्रोकार्बन पदार्थ होता है, जिसकी वजह से इसमें नहीं घुल पाता है। नमक और चीनी को घुलने के लिए हाइड्रोजन की अति आवश्यक ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अगर इसे नहीं मिलता है तो नहीं घुल पाता है। तो दोस्तों पेट्रोल के अंदर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से नहीं घुल पाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एंड आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।